आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग शहर की फिजा अब बदलने लगी है। वहीं सभी प्रत्याशी वार्डों का दौरा कर घर घर दस्तक दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी अपनी पकड़ मजबूत बनाने, अपनी दौड़ लोगों तक पहुंचाने में लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में भी भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने वार्डों का भ्रमण कर अपने पक्ष में माहौल बनाते जुगत लगा रहे हैं। वहीं दुर्ग शहर विधानसभा के प्रत्याशी अरुण वोरा ने कहा कि मैं तो लगातार 5 वर्षों से दौरा कर रहा हूं और जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिला है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, देखें प्रतिक्रिया। वैसे तो हमारा सघन जनसंपर्क पाँच साल चलता है। मतदाताओं से निरंतरता हम बना के रखते हैं और मतदाता हमारे भगवान हैं, हम लोग सेवक हैं। सेवा करने का मौका हमारे मतदाता देते हैं। अभी हमारा 2 दिन से वार्ड के क्रमानुसार दौरा चल रहा है और ज़बरदस्त उत्साह है। लोगों ने यह मन बना लिया है कि इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती, केवल और केवल स्वार्थ के लिए वो अपने घोषणा पत्र बनाती है और सत्ता में आने के बाद भूल जाती है। लेकिन कांग्रेस साहब ने देखा होगा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो वायदे किए थे, 36 वायदे, उन वायदों को उन्होंने पूरा किया है। फिर से हम लोग चुनाव में जीत हासिल करेंगे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 75 पार होगी हमारी सीटें और जो काम शेष रह गए उन कामों को इन 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। किसान पहले तो किसान आत्महत्या किया करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो हमारी योजनाएं बनी है, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, अभी भी जो धान का समर्थन मूल्य जो मुख्यमंत्री ने घोषित किया है, तो निश्चित रूप से किसानों के आय में वृद्धि का काम यह सरकार लगातार करते रही है। किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश है, सर्वहारा वर्ग सरकार के कामकाज से खुश है। तो फिर से वे मुहर लगाना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।